नाज़रीन ग्रामी, भारत ने एक बार फिर से सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर की सरहद पर गोलाबारी की, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात कशीदा हो चुके हैं। पाक फौज की आला क्यादत ने फ्रंट कमांड और JF-17 थंडर तैयारों को हाई अलर्ट कर दिया है, जबकि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर घिनौना इल्जाम लगाते हुए एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पाकिस्तान के जदीद हथियारों पर किए जाने वाले भारतीय प्रोपेगेंडे की सच्चाई क्या है? भारतीय अफवाज और भारतीय मीडिया पाकिस्तान के जदीद तरीन जंगी हथियारों से क्यों खौफ खाते हैं? आज हम आपको इसी हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे और बताएंगे कि सरहदी कशीदगी की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है। तो आइए इस अहम तरीन मौजू की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि भारत एक शर पसंद मुल्क है। जब से नरेंद्र मोदी भारत के इक्तदार पर काबिज हुआ, उस दिन से भारत की शरंगेजियां हद से बढ़ चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान इंतहाई तहमुल से भारत की चालों को टैकल कर रहा है। सरहद पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हमेशा से भारत की जानिब से ही की जाती है और इस खिलाफ वर्जी का सबसे ज्यादा नुकसान खुद भारत को होता है। इस जिमन में यह खबर सामने आई थी कि तकरीबन एक माह कबल पाकिस्तानी और भारतीय हुकाम के दरमियान सरहद पर गोलाबारी न करने का मुआहदा तय पा चुका है, लेकिन फितरत से मजबूर भारतीय हुकाम बाज ना आए और फिर से खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर की सरहद पर शदीद गोलाबारी की, जिसके नतीजे में आजाद कश्मीर के रिहायशी दो नौजवान शहीद हो गए। इस अमल पर पाक फौज ने भी तोपों के मुंह खोल दिए और भारत को जबरदस्त जवाब दिया गया। चंद रोज कबल DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने भारत समेत दुनिया भर को यह बाबर करवाया था कि भारत किसी खुशफहमी में ना रहे, अगर जंग हुई तो पाकिस्तान चंद घंटों में भारत को तबाह बर्बाद करके रख देगा। इनके इस बयान के बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के जंगी जहाजों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की, जो कि बुरी तरह से नाकाम हुई और नाइजीरिया के आर्मी चीफ ने भारत के मुंह पर जोरदार तमांचा मारते हुए मजीद 10 JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान से खरीदने का ऐलान किया था। अब की बार सरहदी कशीदगी पर फिर से भारत ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है, जिस पर पाकिस्तान ने जबरदस्त दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करते हुए बड़ा कदम उठा लिया है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि भारतीय फौज ने दो रोज कबल सरहद पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दो कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय फौजियों को निशाना बनाते हुए उन्हें जबरदस्त जानी और माली नुकसान पहुंचाया। इस कशीदगी के फौरन बाद भारतीय मीडिया पर यह खबरें चलाई जाने लगी कि पाकिस्तान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और पहल करते हुए भारतीय फौजियों को निशाना बनाया। ये खबरें मोदी के गोदी मीडिया ने इसलिए चलाई ताकि दुनिया को गुमराह किया जा सके। भारतीय मीडिया ने यह कहा कि पाकिस्तान ने हमें अमन की राह दिखाते हुए धोखा दिया और वो खुद एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी मैदाने कारजार में उतरते हुए भारत को खबरदार कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की कोशिश की तो पाक फौज वो आंखें नोच लेगी। दरअसल पाक फौज के सरबराहान ने खामोश दिफाई हिकमत अमली के तहत कश्मीर की सरहद पर फाइटर जेट्स की परवाजों में इजाफा कर दिया है और आजाद कश्मीर से मुत्तसिल भारतीय सरहद पर मामूल से ज्यादा जंगी जहाज परवाज कर रहे हैं। JF-17 थंडर हाई अलर्ट है, क्योंकि दुश्मन किसी वक्त भी शरारत कर सकता है। जबकि अंदर की एक खबर के मुताबिक चंद रोज कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने नए तैनात होने वाले चीफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर साहब से खुफिया मुलाकात की और पाक भारत कशीदगी के हवाले से जंगी हिकमत अमली को डिस्कस किया गया। नाज़रीन ग्रामी, माहरीन कहते हैं कि अचानक से पाक फिजाइया के सरबराह की तब्दीली किसी बड़ी वजह का शख्साना हो सकता है। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले के थ्रेट्स हम वक्त मिलते रहते हैं और इस बार 23 मार्च पर भारत कोई ड्रामा रचाने की कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि एयर चीफ को फौरी तौर पर बदल दिया गया है, जबकि फ्रंट कमांड और जंगी तैयारों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। यह सूरत हाल बताती है कि भारत फिर से कोई शरारत करने के चक्कर में है, मगर भारत को यह मालूम होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता जंग होती है तो फिर भारत का सलामत रहना नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में इतनी तरक्की कर ली है कि अमेरिका, रूस और यूरोपीय ममालिक भी पाकिस्तानी हथियारों की तारीफ करते नजर आते हैं। कम वसाइल और बेशुमार मसाइल में घिरे पाकिस्तान ने चंद सालों के अंदर अंदर अपनी दिफाई सनत को मजबूत से मजबूत तर कर लिया है, जबकि पाक फौज ने मुल्क के अंदर मौजूद दहशतगर्दों को भी ठिकाने लगा दिया है। हाल ही में दुनिया की ताकतवर अफवाज की रैंकिंग जारी की गई। साल 2021 के ताकतवर तरीन अस्करी ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। आलमी सतह पर अफवाज की सलाहियत और कारकर्दगी के एतबार से
जारी होने वाली दर्जाबंदी में पाक फौज टॉप 10 में शामिल हो चुकी है। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में पाक फौज का 10वां नंबर है। इससे कबल पाक फौज की रैंकिंग 15 थी। इस रैंकिंग के हिसाब से पाकिस्तान ने ईरान, इंडोनेशिया, इसराइल और कनाडा को पीछे छोड़ दिया है। रैंकिंग के लिए जारी करदा तफसीलात के मुताबिक पाक फौज माली वसायल में दुनिया के दीगर ममालिक से पीछे होने के बावजूद सलाहियतों और कारकर्दगी में दुनिया के टॉप 10 ममालिक में शामिल है। फौजी लिहाज से ताकतवर ममालिक में अमरीका पहले, रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर विराजमान है। रैंकिंग में भारत बदस्तूर चौथे और जापान 5वें नंबर पर मौजूद है। दुनिया की पहली 15 ताकतों में पाकिस्तान के अलावा किसी की रैंकिंग में बेहतरी नहीं हुई। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरत होगी कि गुज़श्ता 2 सालों में सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जिसकी फौजी ताकत में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तानी साख्ता 350 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाला ब्राक क्रूज मिसाइल सिस्टम तमाम फाइटर एयरक्राफ्ट पर नस्ब किया जा सकता है और इसके स्टेल्थ डिजाइन की वजह से इसकी शनाख्त करना मुश्किल है। जबकि नसर मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर तक हर तरह के वार हेड को हदफ तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है और इसे आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की पेशावराना मशकों में भी फायर किया जा चुका है। बाबर क्रूज मिसाइल सिस्टम 450 किलोमीटर के दायरे में हर किस्म के एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। यह सिस्टम खुदकार मिसाइल लोडिंग से फायर करने की सलाहियत रखता है। यह मिसाइल जमीन की साख्त के साथ साथ परवाज करता है, जिसकी वजह से रेडार पर निशानदेही मुमकिन नहीं होती। शाहीन मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर जबकि शाहीन 3 मिसाइल सिस्टम 2750 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने और हर किस्म का वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा हदफ को निशाना बनाने वाले गौरी मिसाइल के साथ पाकिस्तान जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी के हामिल मुल्कों में शामिल हो चुका है। पाक फिजाइया के पास इस वक्त 98 JF-17 थंडर, 45 अमरीकी साख्ता F-16 त्यारे, 69 मेराज इंटरसेप्टर, 90 मेराज अटैकर और 136 चीनी साख्ता F-7 लड़ाका त्यारे मौजूद है। पाक फिजाइया के पास फिजा में ईंधन भरने के लिए 3 टैंकर IL-78 भी मौजूद है। इसके अलावा निगरानी और दीगर अमूर के लिए Y-8, फाल्कन 20, किंग एयर 350, C-130, CN-235 और Y-12 त्यारे बेड़े का हिस्सा है। यही वजह है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबले तस्खीर है। कई ऐसे हथियार भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जिनकी तफसील हम सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से बयान नहीं कर सकते और यही वो हथियार हैं जो भारत की तबाही का सामान साबित हो सकते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।